सिंह नहीं है? सिंह नहीं, मुंडा राजनपुरी है। राजनपुरी मुंडा मारता तो नहीं है? ये मारने को तैयार हो रहा है, ये देखिए क्या कर रहे हैं। अबे 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 सर पर हाथ रख के बोल रहे हैं ये मारता तो नहीं है। Assalamualaikum, मैं हूँ जुल्फकार और मैं भी हूँ जुल्फकार, मेरा मतलब सॉरी मैं हूँ सबाशेर। सबाशेर नहीं है जी, जी बॉस। तो आज हम कहाँ पर मौजूद हैं ये बताएं? आज हम आ गए हैं सावा कैटल फार्म में, क्योंकि हम माँ को एक बकरा खरीदना है कुर्बानी के लिए, तो हम यहाँ बकरे देखने आए थे। यहाँ गाय भी बहुत अच्छी है, यहाँ पे भैंसे भी नजर आए हमें और एक यूनिक चीज भी नजर आई। एक यूनिक चीज है, टर्किश दुम्बे जो इन्होंने कोनिया से इम्पोर्ट किए हैं। कोनिया सब जानते हैं कि सूफीज्म का गढ़ है, तो जिन लोगों को सूफीज्म से लगाव है उनके लिए कोनिया की सौगात कराची में मौजूद है। आए और कोनिया की सौगात अपने साथ खरीद के ले जाएं, यानी के टर्किश दुम्बे। ये तुर्की के इंपोर्ट किए थे हमारे बड़े भाई ने जी, शबान भाई ने, और हमने 6 महीने पहले लिए हैं। काफी लोगों ने इसकी कुर्बानी कर दी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इसमें से कोई एक को बाहर निकाल सकते हैं या हम अंदर चले जाएं? मारेगा तो नहीं? नहीं नहीं बॉस, बॉस इसके सींग बड़े अच्छे हैं। सींग बहुत खूबसूरत है। हाँ, इसके सींग भी काम के होते हैं। सींग पकड़ो, हाथ लगा दो अभी इसको, गर्मी की वजह से इसको जो है शावर करवाया हमने। अच्छा, ये खाते क्या हैं? खाते क्या हैं? ये स्पेशल इनका जो ना वंडा होता है, जिसमें मकई है, राइस पॉलिश है, और जो है इसके साथ जो है दालें वगैरह हैं कुछ। ये लोकल चारा नहीं खाते, जो है कमोडिटीज के आइटम ही खाते हैं, मिक्स करके वंडा जिसको कहते हैं। हाँ, इसी जमाने को खाते हैं। अच्छा, अगर ये कोई नॉर्मल आदमी इसको खरीदता है तो फिर उसके लिए कोई ठंडक का इंतजाम, मतलब ऐसे नॉर्मल मौसम में ऐसा नहीं है? नहीं है, नॉर्मल मौसम में रह सकते हैं बस। अच्छा। दो मरतबा एक मरतबा दिन में इसको शावर करा दिया है। अच्छा, अगर शावर दे देंगे अपन धूप में भी रह सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब नहीं, इस गर्मी में आप शेड लगा होगा तो इशू नहीं है, बट मतलब धूप में नहीं खड़ा, धूप में ना खड़ा। अच्छा अच्छा, हाँ ये दांत देख लें आप, इसके दांत आते हैं। अरे अभी तो दांत भी नहीं आए। सही, वेट कितना होगा इसका मीट का? मीट का वेट होगा अप्रोक्सीमेटली, मुझे तो देखने में लग रहा है घड़ो मतलब 50 kg। सवा मन। अब ये तो 50 kg कह रहे हैं, 50 kg कह रहे हैं, पर आप एक आइडिया लगा रहे हैं। ये टर्किश ब्रीड है और ये इन्होंने खास टर्की से इम्पोर्ट किए, और ये सिर्फ पूरे कराची में आपको इन्हीं के पास मिलेंगे, क्योंकि ये ब्रीड इन्होंने इम्पोर्ट की और ख़ास कुर्बानी के लिए इसको ये सेल कर रहे हैं। और जिन्हें भी रब्ता करना हो, अभी हम इनका नंबर आपको बता देंगे, वो इनसे रब्ता करें। और मेरे ख्याल से इसका गोश्त भी बहुत बेहतर है। अच्छा, मादी में सींग नहीं होते? तो मादा की तो कुर्बानी भी नहीं होती ना भाई? क्यों होती है? होती है, होती है। मादी की कुर्बानी, मादा की तो होती होगी ना? नहीं नहीं होती है, मेल फीमेल सबकी होती है। ये जो सामने बछड़ी की, बछड़ी की कुर्बानी नहीं होती? जी जी, बछड़ी होती है। ये सामने जो खड़ी हुई है ये फीमेल है? मेल है ये वाले, ये फीमेल है। पता नहीं चल रहा मेल फीमेल। हां कुछ नर और मादा का पता नहीं चल पा रहा। यहां तो सब मर्द है मुझ समय। अच्छा, जो बगर सींग के हैं जी वो फीमेल है। अच्छा, सिंह नहीं है? सिंह नहीं, मुंडा राजनपुरी है। राजनपुरी मुंडा मारता तो नहीं है? ये मारने को तैयार हो रहा है, ये देखिए क्या कर रहे हैं। अबे 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 सर पर हाथ रख के बोल रहे हैं ये मारता तो नहीं है? जब उसके सर पर हाथ रखोगे वो तो बिंदेगा, क्यों मार? अभी ये तो आगे कुआं पीछे खाई है, पीछे वो है सांड। यार तुम्हारे चक्कर में यार ये क्या है, कौन सा बकरा? बस कला मेरे खाले के लिए बोल रहे थे ना, आज ये हमाद भाई की वजह से हुआ है। आपको बहुत शौक था ना, आओ हमाद तुम्हें बकरा दिलाता हूँ, दिलाएं बकरे। पसंद आ रहा है तुम्हें? है तो अच्छा। हाँ, इसका पता नहीं डिमांड क्या है। इसकी डिमांड कितनी है भाई? 70। 70 और करके ना यार, इसके दाम ले ले भाई। ये है इसका क्या? ओहो ओहो, तुम लोग आए हो? ओहो, मुझे भी शूट हो रहा
यार अभी तक आई एम नॉट नॉर्मल, वो जब से उसने हमला किया है ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बाहर लिखा हुआ है वो अभी हम आपको दिखा देते हैं। इनके पास बकरे भी हैं और दुम्बे भी हैं और ये बैल भी हैं और अभी सारे बिक चुके हैं, कह रहे हैं 5 या 6 बचे हुए। अभी जिसको ख़रीदना है अभी आ जाए ख़रीदने के लिए, कहीं ये ना हो कि ये भी बिक जाए और पेट्रोल की कीमत 270 हो जाए फिर आपकी कीमत और ज़्यादा। तो जिसको खरीद कन्वेंस वगैरह सब ट्रक वगैरह किराए वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए ना, तो जिसे भी ख़रीदना है वो अभी आके ख़रीद लें और चाहें तो इनके पास रखवा सकते हैं। आए तो थे जी बकरा खरीदने मगर जो कीमतें सुनी उसके बाद हम इसको खरीद के घर लेकर जा रहे हैं। अगले साल पालेंगे पोसेंगे इसको बड़ा करेंगे। अगले साल ये जवान हो जाएगा ना, अगले साल ये जवान हो जाएगा। ये खरीद ये अब ये रह गया। हाँ कोई बात नहीं, फ्री में दे रहे। यस तो कोशिश करते हैं कि हम आपको कुछ मिल जाए, वरना इसको तो ये देने को तैयार हो गए, कह रहे हैं 1 साल वेट कर लीजिए अगले साल कुर्बानी कर लीजिएगा। चलो भाई बाहर देख लेते हैं वरना आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए बेबी। इनका नंबर है नोमान अमीर सावा कैटल फार्म के जो ओनर है, नंबर है 0300-249-1942। मैं अभी स्क्रीन पे भी लिख दूंगा तो आप इनसे कांटेक्ट करके आ सकते हैं। थोड़े से जानवर बचे आके ले जाइए जल्दी से। दूसरा नंबर पढ़े दूसरा क्या लिखा है, हसाम अहमद 0331-290-7669। इनसे भी कांटेक्ट कर लें, दोनों में से किसी से भी कांटेक्ट कर लें और आके जल्दी से कर लें यहाँ से, वरना हमारी तरह बच्चा खरीदना पड़ेगा आपको यहाँ से। नहीं नहीं हमारी पब्लिक बहुत तेज है, जहाँ देखती है दरी वहाँ बिछा देती है दरी, तो यहाँ ये वही हाल है, बहुत सस्ते जानवर हैं और आप जल्दी से ले जाइए। हमारी रेंज के मुताबिक सवाना फॉर्म से तो हमें नहीं मिल सका, मगर बाहर ही एक आदमी 4-5 बकरे लिए बैठा था, उससे कुछ हमारा सौदा पक्का हो गया भाई। इसे आखिरकार हमारा जो सौदा है, हम अंदर दूसरी जगह गए हमें वहाँ सौदा हमारा नहीं हो पाया कि वे कीमतें हमारी रेंज से बाहर नहीं आनी। हम बाहर जितने पैसे रख के लाया था उसमें भाई से हमारी बात हुई है, 35,000 का हम एक बकरा ले रहे हैं। भाई अगर कोई और ख़रीदने आना चाहे उसको अपना नंबर बता दीजिए। 0345-2183-2183-547 ये नंबर मैं नीचे लिखा हुआ भी दे दूँगा। तो हमारी बात आपसे इस वाले बकरे की हुई है, ब्राउन वाले। बस तो फिर ये दे दें, इसकी रस्सी पकड़ लें फ़ौरन। खोलो भाई खोलो, चलो चलो। अरे टक्करें मार रहा है यार, हम मत को मारे इस टक्कर में ना, क्योंकि जानवरों की टक्करें खानी पड़ रही है। चले देखे भाई हमने बकरा खरीद लिया है और अब फाइनली खरीदा है जो बिल्कुल बात तो एक ही है ना, अनजान बने बैठे हैं। हमने बकरा खरीद लिया और अब हम इसको गाड़ी में बिठाएंगे। गाड़ी में कहाँ जाएगा, अरे चले जाएगा फिर और कैसे जाएगा, रक्षे में क्यों जाएगा भाई, रक्षे का किराया कौन देगा और रक्षा मिलेगा कहाँ यहाँ से। गाड़ी में बैठो अभी, चल तुझे बैठो गाड़ी में बैठो, रक्षे में जाएगा ये रक्षे में, बहुत इसके हाथ में बांध के अंदर घुसा देते हैं, रक्षे में चला जाएगा। रक्षा बना देते हैं, अब रक्षा कहाँ से लाएंगे, यहाँ तो रक्षा देता हूँ, रक्षा है कितने रुपए लेगा नौता से बच जाने के। 35,000 का बकरा और 5-6 40,500 का पड़ेगा ये, है ना। तुम पैदल लेकर आओ, नहीं बॉस आप पैदल लेकर आप बोल रहे थे ना, मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बॉस भी चला जाए। मैं भी पैदल, जिसका है वो लेकर आए, मैं क्यों पैदल लेकर आऊँ। बॉस कोई बात नहीं आप पैदल लेकर आ सकते हैं, पकड़े रस्सी मैं भी पकड़ा। अच्छा कोने तक तो चले, हम लोग आ रहे हैं, आ जाइए हमारे, हम लोग ड्राइव करते हट जाए फौरन। आज बॉस जो है पैदल चलेंगे और आपको बताएंगे बकरे घुमाने का मजा किसी का, मोहल्ले में सबसे तगड़ा बकरा बकरा लिया है हमने। कोई बात नहीं उधर नहीं जाके चले बढ़ते जाओ। खुदा हाफिज, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। ऐसा बकरा जिंदगी में मत खरीदना, दूसरे के लिए तो कभी नेकी करनी ही नहीं चाहिए। ऐसा बकरा नहीं जिंदगी में नेकी करने का मत सोच रहा, किसी के साथ हम तुम्हें तो खुदा समझेगा।